समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, पहले सरकार को तो सुधार लेते। इतना काम उन्होंने किया है कि तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के आ गए। शराब पीने से एड्स होता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया जो हास्यास्पद है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव क्रिसमस से पहले अपनी पत्नी रेचल संग पटना से बाहर गए थे और आज फिर से अपनी पत्नी संग वापस आए हैं। नया वर्ष भी आने को है, जिससे पहले तेजस्वी यादव अपनी जो उनका पटना जो आवास जहां पर रावरी आवास है वहां अपनी पत्नी संग आज आए हैं। और इसी बीच मीडियाकर्मी से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप भी सुनिए। इस पर ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा। शराबबंदी को लेकर के जो ज्ञान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अब बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया जो हास्यास्पद है, मतलब शराब पीने से एड्स होता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हर एक तरीके से घिरे हुए हैं और उस वजह से ऊटपटांग बयान दिया जा रहा है। शराब को रोकने की जिम्मेवारी सरकार की है, पुलिस महकमे की है। अब पुलिस महकमा नीतीश कुमार जी के अंतर्गत आता है, फिर भी पटना के बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें मिली हैं और ये तो सब लोग जान रहे हैं कि फेल हो चुका है पूरी तरीके से। अब जो भी टिप्पा टिप्पणी आई है कोर्ट न्यायालय के मामले में, तो इस पर हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। समाज सुधार अभियान के लिए निकले हुए हैं लोग, हमने तो पहले, हाँ भाई, पहले सरकार को तो सुधार लेते हैं और समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, तो समाज में उनकी कौन सी बुराइयाँ नजर आ रही है? अनेकों बुराइयाँ हैं और कोई नीतीश कुमार जी कोई पहले व्यक्ति तो है नहीं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब लोग जानते हैं। चोरी, बुरा काम, ये सारा शराब पीना, नशा करना, ये सब तो है ही बुरा काम। दहेज तो, दहेज हो या कोई शराबबंदी का कानून, कोई पहला बिहार में तो नहीं आया। पहले सती प्रथा चलती थी, वो भी बैंड हुआ। तो समाज में क्या क्या बुराइयां हैं वो सब लोग जानते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो सरकार में कमियां हैं, बिहार में कमियां हैं, ये जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली हुई है, इसको कौन सुधारेगा? भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? गरीबी कौन मिटाएगा? बिहार सबसे पिछले पैदान पे है, इसको आगे कौन बढ़ाएगा? विशेष राज्य का दर्जा कौन दिलाएगा? तो ये सारी चीज़ों मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी का, इन पे बात हो रही है। कुछ लोग चिढ़ते हैं हमसे, हमसे चिढ़ते हैं, हमने जो इतना काम कर दिया है, कुछ लोग को चिढ़न होती है। कुछ लोग चिढ़ते हैं, इतना काम उन्होंने किया है कि तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के आ गए। चलिए, तंत्र मंत्र यंत्र की सम्राट भारत के नंबर वन बाबा पाशाजी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर वन एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशाजी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकर्णी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशाजी बंगाली। बाबा पाशाजी बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पाशाजी बंगाली।